जिस तरह खिलाड़ी कुमार के फैंस की नजरें हमेशा उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर रहती है, ठीक उसी तरह सिंघम स्टार अजय देवगन के फैंस भी उनकी आने वाली हर मूवी की अपडेट पर ध्यान देते हैं। और हाल ही में एक्टर की जिस नए प्रोजेक्ट से जुड़ी अपडेट आई है वो उनके फैंस को थोड़ा निराश कर सकती है। मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के चलते लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है अजय देवगन का आने वाला प्रोजेक्ट यानी फिल्म चाणक्य। ऑडियंस के बीच जब से इस फिल्म की चर्चा हुई है तभी से इसकी शूटिंग शुरू होने को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज पांडे की फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है मगर ये फिल्म 2021 में नहीं बल्कि अब 2022 की शुरुआत में शुरू की जाएगी। बता दें कि फिल्म को काफी ग्रैंड बनाने की तैयारी है जिस कारण मनोज और नीरज ने इसे 2022 की शुरुआत में शुरू करने का फैसला किया है। उम्मीद की जा रही है कि तब तक देश में चल रही सिचुएशंस में भी काफी सुधार आ जाएगा। दरअसल इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि नीरज पांडे की वेब सीरीज स्पेशल ऊप्स जिसके एक सीजन हिट हो जाने के बाद दूसरे सीजन की तैयारियां चल रही हैं। इसी के चलते अजय देवगन इसी बीच बाकी फिल्मों के शेड्यूल्स को कंप्लीट करने के साथ नीरज की फिल्म के लिए भी डेट्स लॉक करेंगे। और रिपोर्ट्स की माने तो नीरज और अजय 2022 में जून और जुलाई के आसपास इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं, यानी 2021 में ना सही लेकिन 2022 में अजय देवगन अपनी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर जरूर आएंगे, इसकी गारंटी है। तो जल्दी से बताइए अजय के फैंस अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।